योग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में 500 मीटर तिरंगे के साथ अनूठी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। इतने बड़े तिरंगे को लेकर निकाली गई यह यात्रा देश की बड़ी तिरंगा यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि इसमें देश का दूसरा बड़ा तिरंगा ध्वज शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पहली बार आयोजित की गई तिरंगा यात्रा को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया था। तिरंगा स्वाभिमान यात्रा बैकुंठपुर के पीजी कॉलेज से शुरू हुई। इस मौके पर प्रदेश के श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। देश मिल है एकता अखंडता को कायम रखना, युवाओं को जोड़ना, एक साथ देश को आज राष्ट्रीय तिरंगा झंडा के नीचे रहकर एक साथ सबको याद करना और एक परिवार के भांति हम सबको एक साथ रखने काम करना, ये उद्देश्य है हमारा। इसलिए यह प्रदेश देश में तो नहीं कह सकते, प्रदेश का पहला तिरंगा झंडा जो बैकुंठपुर से आज शुरुआत हो रहा है, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है और उसके नीचे सब हमारे लड़के लड़कियां रहेंगे और अपना एकता का परिचय देंगे। इस अनूठी तिरंगा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष तीरथ गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र तिवारी के साथ बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो बैकुंठपुर के हमारे नवयुवकों के द्वारा आयोजित किया गया है, आज हमारे समाज के और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर युवाओं ने एक विशाल 500 मीटर लंबाई का तिरंगा यात्रा रखा है। इसमें तिरंगा सम्मान के साथ सभी वर्गों को देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और समाज के उन क्षेत्रों के प्रति संदेश देने का है जो अब जाने अनजाने में जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारे देश में लाखों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और इस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, इसको जन जागरूकता के माध्यम से, एक रैली के माध्यम से, एक कार्यक्रम के माध्यम से विशाल या हजारों की संख्या में हमारे माननीय प्रदेश के मंत्री और इस क्षेत्र के हमारे विधायक और कोरिया जिला के सम्मानित पार्टी के हमारे नेता माननीय भैयालाल राजवाड़े जी के नेतृत्व में हम लोग ये तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा पीजी कॉलेज से शुरू होकर घड़ी चौक होते हुए प्रेमाबाग पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। समूचे नगर में तिरंगा यात्रा को लेकर उत्साह नजर आया। नगरवासियों ने अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा में शामिल हजारों छात्र छात्राओं का स्वागत किया। हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे तिरंगा यात्रा आज दुनिया में इंडिया में तीसरी बार हो रहा है। पहला जो हुआ था विशाखापट्टनम 2.5 किलोमीटर का था, दूसरा दिल्ली में हुआ था जो 300 मीटर का था, और हम इस उद्देश्य से लेके किए कि बैकुंठपुर को हर कोई जाने। मैं आप न्यूज वालों से भी यही आग्रह करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक चैनल्स में चलवाएं, इसको एक नेशनल न्यूज बनाएं, ताकि हमारे बैकुंठपुर का नाम पूरे देश में हो सके। ये चुना गया इसके लिए, ये आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, जो कि युवा दिवस के अवसर पर मनाया जाता है विद्यार्थी परिषद द्वारा, और यह एक हमारे परिषद का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कारणवश हम लोग ने इस कार्यक्रम को आज के दिन रखा। दूसरा लंबा तिरंगा यात्रा जो 500 मीटर का, पहला 0.5 किलोमीटर पहला कहाँ था? पहला जो हुआ था दिल्ली में हुआ था वो 300 मीटर का था, दूसरा जो हुआ था विशाखापट्टनम में वो 2.5 किलोमीटर का था, और जो अपना बैकुंठपुर का है ये 500 मीटर की तिरंगा यात्रा। तो ये क्या उस हिसाब से देश का ये पहला है? जी देश का पहला है ये? नहीं ये तीसरा है। दूसरा? नहीं ये देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा यात्रा। कोरिया से जगजीत सिंह की रिपोर्ट।